हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं विजय बंसल, मैथ लेक्चरर, जाखल ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद से, हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट। आज हम अपनी मैथ की क्लास के अंदर कुछ सीखेंगे। प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे हमारी क्लास 9th का हमारा जो चैप्टर फर्स्ट है उसके एमसीक्यू के बारे में हम बात करेंगे। इसके अंदर सबसे पहले हम कुछ कंसेप्ट के बारे में बात करते हैं। इसमें हम देख रहे हैं सबसे पहले परिमेय अपरिमेय संख्याएं, मीन्स हमने जो इस चैप्टर के अंदर पढ़ा परिमेय संख्याएं, जिन भी संख्याओं को हम पी बटा क्यू रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और जहां आपके पास क्यू बराबर नहीं जीरो होगा, पी और क्यू दोनों पूर्णांक होंगे और पी और क्यू का जो एचसीएफ है वो आपके पास क्या होता है, वन होता है, ठीक है। और अपरिमेय संख्याएं जिनको हम पी बटा क्यू फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते आपके पास, ठीक है। संख्या रेखा पर अपरिमेय संख्या निर्धारित करना हमने सीखा। इसके अंदर वास्तविक संख्याएं, उनके दशमलव प्रसार के बारे में बात की। जो परिमेय संख्याएं हैं इनका जो दशमलव प्रसार है आपके पास शांत और अशांत दशमलव प्रसार के अंदर होता है हमारे पास, ठीक है। और जो परिमेय संख्याएं ये अशांत आवर्ती के रूप में होती हैं, और जो अपरिमेय संख्याएं होती हैं वो आपकी अशांत अनावर्ती के रूप में होती हैं, मीन्स इनकी नॉन रिपीटिंग होती है, मीन्स अक्षर बार बार रिपीट नहीं होता आपके पास, ठीक है। फिर वास्तविक संख्याओं पर हमने संख्याएं की हर का परिमेयकरण करना सीखा। इसके अंदर उन्हीं चीजों के आधार पर हम अपने जो क्वेश्चन हैं उनको करके देखेंगे। और इसके साथ साथ हमने कुछ घातांक के नियम पढ़े। मान लीजिए जैसे वर्गमूल ए बी है, इसको आप अलग अलग लिखना चाहें या वर्गमूल के अंदर इकट्ठा करना चाहें, डिवाइड है, ठीक है, आपके वर्गमूल के अंदर फार्मूले हैं ए प्लस बी ए माइनस बी, तीसरा फार्मूला अगर हम देखें तो आपके पास ये रूट ए माइनस बी बन जाएगा आपके पास, ठीक है। इस प्रकार से रूट फोर और फाइव के आपके फार्मूले बनते हैं। अब इन्हीं पर बेस्ड आपके पास इसके बाद हमने घातांक वाले कुछ फार्मूले देखे। अगर आपके पास आधार बराबर है, जैसे ए की घात पी ए की घात क्यू, तो घात जुड़ जाएगी। बिसेकंड में देखें घात की घात दिया गया तो घात गुना हो जाएगी, ए की घात पी क्यू बन जाएगा आपके पास। थर्ड में अगर डिवाइड कर रहे हैं तो घात आपस में घट जाएंगी, पी माइनस क्यू हो जाएगा। फोर्थ में अगर आपके पास घात एक जैसी है तो आधार की आपस में गुना हो जाएगी, ठीक है। अब इसी पर बेस्ड हम अपने क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे हम सबसे पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पांच बटा छ की घात एक बटा पांच और उसकी एक बटा छः का रूट दिया गया, तो ये मल्टीप्लाई होकर एक बटा तीस बन जाएगा, ठीक है। मीन्स आपके पास, क्योंकि यहाँ पर घात की घात दी गई है और घात के अंदर ख्याल रखें आपको ये माइनस के अंदर दिया गया कंसेप्ट, ए पांच बटा छः की घात पांच और सारे की घात आगे आपको क्या दे रहा है, माइनस एक बटा छः दे रहा है आपको, ठीक है। तो इन्होंने इनकी जब हम गुना करेंगे तो वो क्या बनेगा, पांच बटा छः की घात माइनस एक बटा तीस आपके पास, ठीक है। अब आपके पास पांच बटा छः की घात एक बटा तीस, अगर हम देखें कि इसके अंदर कौन सा ऑप्शन आपके पास बन जाता है उसके बारे में अगर हम सोचें, ऑप्शन डी आपके पास बन रहा है, ठीक है, बिल्कुल डायरेक्ट। ऑप्शन सी बन रहा है आपके पास, उसका रिवर्स करके लिख दिया गया इसको, ठीक है। इन्होंने कहा है हमें बराबर नहीं है, हमें वो ऑप्शन बताना है। इसके अंदर ऐसे क्वेश्चन के अंदर आपको ध्यान रखना है कि पूछा क्या गया उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना होता है इसके अंदर, ठीक है ना। और जो पहला ऑप्शन है आपके पास ए, इसमें भी अगर आप देखें पांच बटा छः की घात एक बटा पांच माइनस एक बटा छः लिखा गया, आप इनकी घात का अगर लघुत्तम लेते हैं तो छः माइनस पाँच मीन्स एक बटा तीस बनेगा आपके पास, ठीक है आपका। और ये प्लस में बनेगा जबकि हमें चाहिए माइनस में, ठीक है। तो इट मीन्स आपके पास ये आंसर हो सकता है। और बी ऑप्शन के बारे में अगर हम देखते हैं, आपको ये चीज़ों को, क्योंकि माइनस था उसको नीचे लिख दिया गया, तो बी ऑप्शन भी आपके पास इसका रूप हो जाएगा, ठीक है। मीन्स इसको माइनस को एक बटा पाँच मीन्स आधार को ना बदल कर, ठीक है, इस रूप में लिख दिया गया, तो आपके पास ये रूप भी सही है इसका, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर क्या बन जाएगा, ए ऑप्शन इसके क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा आपके पास, क्लियर। एंड नेक्स्ट देखते हैं, अगर हमारे पास हम क्वेश्चन देखें, कहना निम्नलिखित में से प्रत्येक में सही उत्तर लिखिए, प्रत्येक प्रकर संख्या, प्रत्येक परिमेय संख्या क्या है आपके पास, ठीक है। जो प्रत्येक परिमेय संख्या है उसके बारे में हम क्या कहेंगे, उसको पहला ऑप्शन एक प्रकर संख्या कहेंगे, दूसरा ऑप्शन एक पूर्णांक कहेंगे, तीसरा ऑप्शन एक वास्तविक संख्या कहेंगे, या चौथा ऑप्शन एक पूर्ण संख्या कहेंगे। परिमेय संख्या आपकी प्रकर, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि दो बटा तीन आपके पास, ठीक है, ना ये पूर्णांक है, हाँ, लेकिन वास्तविक संख्या आपके पास है, क्योंकि वास्तविक संख्या दो प्रकार की होती है आपकी, ठीक है, एक आपके पास परिमेय हो जाती है और एक आपकी अपरिमेय हो जाती है, ठीक है। तो आपका तीसरा ऑप्शन इसका सी ऑप्शन आपके पास क्वेश्चन का आंसर बन जाता है, क्वेश्चन नंबर एक का। एंड नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर दो, हमें क्या कह रहे हैं, दो परिमेय संख्याओं के बीच में, दो परिमेय संख्याओं के बीच में कोई परिमेय संख्या नहीं होती, गलत। एक परिमेय संख्या होती है, गलत।
अपरिमेय रूप से अनेक परिमेय संख्याएं होती हैं, सही केवल परिमेय संख्या होती है, कोई अपरिमेय संख्या नहीं होती। ऑप्शन क्या बन जाएगा इसका? सी बन जाएगा, क्योंकि इसमें परिमेय और अपरिमेय संख्या दोनों होती हैं, लेकिन अनेक अपरिमेय संख्याएं और अनेक परिमेय संख्याएं, ठीक है। तीसरा ऑप्शन, एक परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण हो सकता है, परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण शांत और अशांत हो सकता है, अशांत आवर्ती हो सकता है, अशांत अनावर्ती हो सकता है, ठीक है। अशांत अनावर्ती आपके पास किसका होगा, ठीक है, ये अपरिमेय संख्या का होगा। तो इन्होंने पूछा था कि अपरिमेय संख्या का दशमलव निरूपण नहीं हो सकता, वो अशांत अनावर्ती नहीं हो सकता, ठीक है। मीन्स ऑप्शन डी, ये अपरिमेय संख्या का होता है आपके पास। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर चार, किन्हीं दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल, अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल करेंगे तो अपरिमेय संख्या होगी। मान लो आप वर्गमूल दो को वर्गमूल दो से गुणा करते हैं तो वर्गमूल चार बनता है, दो बन जाता है, वो एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन अगर आप वर्गमूल दो को वर्गमूल तीन से गुणा करते हैं तो वर्गमूल छः बनता है, ये एक अपरिमेय संख्या होगी। तो कभी परिमेय और कभी अपरिमेय हो सकता है। इट मीन्स इसका आंसर जो बनना चाहिए ऑप्शन डी आपके पास, आपके क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए, क्लियर। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर पाँच, संख्या वर्गमूल दो का दशमलव प्रसार, एक परिमित दशमलव प्रसार होता है, बिल्कुल सही, ये भी इसका आंसर बन सकता है, अशांत आवर्ती, अशांत अनावर्ती। लेकिन जो एग्जैक्ट आंसर है इसका वो क्या है, ऑप्शन डी बन जाएगा, अशांत अनावर्ती, क्योंकि यह कभी भी ना खत्म होने वाली संख्या में, क्योंकि एक अपरिमेय संख्या है आपकी, ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग हो गया आपका। निम्न से कौन सी अपरिमेय संख्या है, वर्गमूल चार बटा नौ, ये दो बटा तीन लिखी जा सकती है, वर्गमूल बारह को वर्गमूल तीन से काटेंगे, वर्गमूल चार हो जाएगा, चार आपका दो हो जाता है तो परिमेय संख्या होगी। तीसरा ऑप्शन वर्गमूल सी सात, ठीक है, ये आपका आंसर होना चाहिए, क्योंकि वर्गमूल इक्यासी आपके पास कितना होता है, नाइन होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, सी ऑप्शन बन जाएगा आपके पास। नेक्स्ट सातवां क्वेश्चन, निम्न से कौन सी अपरिमेय संख्या है, पहला आपके पास शांत दशमलव प्रसार है, ये नहीं होगा, दूसरा अशांत आवर्ती परिमेय संख्या है, तीसरी भी आपकी अशांत आवर्ती संख्या है, चौथी चालीस चौदह सौ चौदह हजार, ठीक है, ये ग्रुपिंग बन रही है आपके पास दशम के बाद। तो इसका आंसर क्या बनना चाहिए, ऑप्शन डी बनना चाहिए आपके पास, आपके क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट देखेंगे आठवां क्वेश्चन, वर्गमूल दो और वर्गमूल तीन के बीच एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या पता करने के लिए कहा इन्होंने, तो परिमेय संख्या के लिए क्या होगा, हमेशा उनका दोनों के बीच में ए और बी ऑप्शन तो बनेंगे ही नहीं। वर्गमूल दो का जो मान है वो लगभग एक दशमलव चार होता है, वर्गमूल तीन का मान एक दशमलव सात होता है, इन दोनों के बीच में एक दशमलव पांच दे रहा है, मीन्स ऑप्शन सी आपके पास आपके क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा इसके अंदर, ठीक है, ये आपके पास आपके क्वेश्चन का आंसर होगा हमारे क्वेश्चन नंबर आठ का। इसके बाद देखते हैं हम अपने नेक्स्ट आगे क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर नौ को देखेंगे कि इसके अंदर में क्या करने के लिए कहा गया। क्वेश्चन नंबर नौ के अंदर आपके पास हमें कह रहा है पी बटा क्यू रूप के अंदर मान बताएं कि क्या बनेगा, जहां पी और क्यू एक पूर्णांक है आपके पास, ठीक है। एक तो आपके पास अलग है ही 0.9 बार है, इस 9 बार को अगर आपने खत्म करना हो तो क्या समझाया गया आपको, डायरेक्ट मेथड, आप 9 नंबर में से जो बार के ऊपर, जिसके ऊपर बार नहीं है उसको माइनस कर देंगे, बटा में जितने अक्षरों के ऊपर बार है उतने 9 लगाएंगे नीचे, ठीक है। तो 9 - 0 बटा में 9 मतलब आपका 1 बनेगा, तो 1+1 अप्रोक्सीमेट आपके पास आपका ये 2 बन जाएगा, मीन्स आपका सी ऑप्शन बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास, ठीक है, इसका आंसर क्या बनेगा, दो वर्गमूल तीन के अंदर तीन वर्गमूल तीन जोड़ेंगे तो आपके पास 3 वर्गमूल 3 बनेगा, मीन्स सी ऑप्शन आ जाएगा आपका। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11, वर्गमूल 10 को वर्गमूल 15 से गुना करेंगे तो 10 के अगर आप गुणनखंड देखते हैं तो 5 × 2 बनते हैं, 15 के 3 × 5 बनते हैं, तो 2 × 5 = 1 बाहर आता है और वर्गमूल के अंदर 6 हो जाएगा, तो 5 × 6, ऐसा कौन सा ऑप्शन दिया गया आपको, ऑप्शन बी दिया गया। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 आपके पास, 1/√7 - 2 के हर का प्रिमयकरण करना है तो 1/√7 - 2 को आप इसका निशान बदल कर ऊपर नीचे गुना कर देंगे, हर का प्रिमयकरण हो जाएगा आपके पास, वो तो √7 + √2 हो जाएगा, नीचे a - b a + b, तो a की स्क्वेयर √7 की स्क्वेयर 7 हो जाएगा, माइनस 2 का स्क्वेयर 4 हो जाएगा, तो √7 + 2/3 आपका आंसर बनेगा। ये ऑप्शन अगर आप देखें तो इसमें ऑप्शन आपको ऑप्शन ए दिखाई दे रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13, 1/√9 - √8 का परिमेयकरण कहा गया, तो ऊपर नीचे आप √9 + √8 से गुना कर देंगे तो ऊपर आपके पास √9 + √8 आ जाएगा और नीचे आपके पास √9 - √8 को आपने प्लस वाले से गुना करेंगे, मीन्स a² - b², तो 9 - 8 1 बन जाएगा, मीन्स आपके पास √9 + √8 हो जाएगा
और ये ऑप्शन आपके पास कौन सा बन जाएगा, अगर आप देखें वर्गमूल 9 प्लस वर्गमूल 8, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। मीन्स अगर आप 9 को, 9 का वर्गमूल 3 होता है, 8 आपके पास 2 वर्गमूल 2 के रूप में लिखा जा सकता है। तो 3 प्लस 2 वर्गमूल 2 मीन्स ऑप्शन डी आपके पास आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर। इसके बाद देखेंगे हम हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। इसके अंदर देखते हैं हमें क्या कह रहा है करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर भी आपके पास हर का परिमेयकरण करने के लिए कहा गया। तो 7 को आपने 3 वर्गमूल 3 प्लस 2 वर्गमूल 2 से गुणा ऊपर नीचे गुणा कर दिया और नीचे ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का फॉर्मूला लग जाएगा। 3 का स्क्वेयर 9, 9 वर्गमूल 3 का 3 हो जाएगा, 9 3 27 माइनस 2 का वर्ग 4, वर्गमूल 2 का 2 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 27 में से 2 गए आपके, ठीक है, क्या बचेंगे 19 बचेंगे। इन्होंने कहा था कि हर का परिमेयकरण करने पर हमें हर क्या प्राप्त होगा, हर आपके पास कितना आया 19 आया। मीन्स ऑप्शन आपका क्या बन जाएगा, बी आपके पास आपके क्वेश्चंस का आंसर बन जाएगा। क्लियर। इसके बाद देखते हैं हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। इसमें हमें क्या कह रहा है करने के लिए, हमें वर्गमूल 32 वर्गमूल 48, वर्गमूल 32 आपके पास चौकम चौकी 16, 16 दूनी 48, 4 वर्गमूल 2 बन जाएगा। 48 को हम देखें चौकम चौकी 16, 16 3 48, तो 4 वर्गमूल 3 बन जाएगा और नीचे आपके पास 8, 2 वर्गमूल 2 बनेगा आपके पास, क्योंकि वर्गमूल 12, 12 3 गुना 2 होते, तो 3 वर्गमूल 2 बन जाएगा आपके पास, सॉरी 2 दुनी 4, 4 12, 3 3 9, 9 दुनी 2 18 होता है, तो 2 वर्गमूल 3 बनेगा। तो अगर आप यहां से 4 कॉमन निकालते हैं तो वर्गमूल 2 प्लस वर्गमूल 3 और बटा में नीचे 2 कॉमन निकालते हैं तो 2 वर्गमूल प्लस वर्गमूल 3, ये कैंसल्स आपके पास कटकर 2 आ गया। मीन्स आपका जो ऑप्शन है आंसर है वो बी आपके पास आपके क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। इसमें वर्गमूल 2 का मान दिया हुआ है तो हमें इसका मान निकालने के लिए कहा है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, वर्गमूल के अंदर इसका हर का परिमेयकरण कर देंगे। हर का परिमेयकरण करेंगे तो ऊपर आपके पास वर्गमूल 2 माइनस 1 बटा में वर्गमूल 2 प्लस 1 को आप वर्गमूल 2 माइनस 1 बटा में वर्गमूल 2 माइनस 1 से गुणा करेंगे, तो ऊपर आपके पास वर्गमूल में a माइनस बी की स्क्वेयर, तो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab आ जाएगा और बटा में ए स्क्वेयर ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वेयर माइनस बी। मीन्स ऊपर वर्गमूल के अंदर 3 माइनस 2 गुना में वर्गमूल 2 का जो मान है आपके पास 1, ठीक है, आपको 4 1 4 2 दिया गया है, तो आप इसका डबल करके 3 में से माइनस कर देंगे, इसका जो डबल है आपके पास 2.8282 बन जाएगा। अब माइनस करेंगे तो 0. आपके पास 81, ठीक है, 71 अप्रोक्सीमेट आपके पास ये बन गया 0.1718। और आप इसको, क्योंकि इन्होंने आगे हमें जो कहा है इसका स्क्वेयर रूट करने के लिए कहा गया था, ठीक है, मीन्स हमें इस पूरे पोर्शंस का आगे फिर स्क्वेयर रूट करने के लिए कहा है, तो इसमें आपके पास ऑप्शन देखना है कि आपको क्या बनेगा, मीन्स क्या आपका आंसर बनना चाहिए वो हमें चेक करना होगा। अब यहां से आप इसका स्क्वेयर रूट करेंगे तो पेयर्स बनते हैं आपके पास 17.04 समथिंग आना चाहिए। आप ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन सी आपको दे रहा है 4142, मीन्स आपके पास जो आंसर है, क्योंकि 0.4 के साथ सिर्फ एक ही ऑप्शन दे रहा है, तो इट मीन्स इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन सी होना चाहिए आपके पास, ठीक है। इसके बाद हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। उसके अंदर देखते हैं हमें क्या कह रहा है करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 17 में हमें कह रहा है, ये जो क्वेश्चन है हमें 17, ये हमें घातक घातांक का क्वेश्चन दिया गया है। इसमें हमें क्या कह रहा है, आपके पास फोर्थ रूट दिया गया, ठीक है, उसके अंदर आपके पास थर्ड रूट दिया गया है, मीन्स क्यूबिक दी गई है, और 2 की घात 2 दिया गया। अब हमसे पूछा गया है कि इसको सॉल्व करने पर आपके पास क्या बनेगा, हमें वो बताना है, क्योंकि इसके अंदर आपके पास अंदरला बेस देखें, नंबर देखें, वो 2 दिया गया, तो हमें 2 की ही घात को सभी अक्षरों को बनाना होगा, ठीक है। तो 2 की घात आपके पास 2 है, उसके ऊपर सबसे पहले आपको क्यूब रूट दिया गया, फिर फोर्थ रूट दिया गया, तो 2 यहां से कैंसिल होगा, 2 मीन्स 2 की घात आपके पास 1/6 बनेगी आपके पास, ठीक है। और ये कौन सा ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन सी आपके पास क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट देखेंगे 18th क्वेश्चन, हमको इन सभी की गुणनफल करने के लिए कहा गया, मल्टीप्लाई करने के लिए कहा गया, तो मल्टीप्लाई करने से पहले जो इसका आपका करनी है, मीन्स बाहर का अक्षर है जो वर्गमूल के अंदर लिखा है उसको बराबर करेंगे, तो बराबर करने के लिए आपको क्या करना होगा, इसका आपके पास 3, 4 और 12 इनका हम लघुत्तम लेंगे तो 12 बनेगा, तो 12 हो गया, ठीक है, अंदर हमारे पास क्या हो जाएगा,
क्योंकि पहला अक्षर आपको दो दिया गया, इसकी जो करनी है वो तीन है हमारे पास, तो 12 को 3 से भाग किया, 4 हो जाएगी 2 की घात। अगला अक्षर 2 है और आपके पास जो बाहर अक्षर दिया गया, करनी दी गई है, 4 दी गई है, तो 12 को 4 से भाग किया 3, तो 2 की घात 3 बन जाएगा। अगले में आपको 12 वर्गमूल 32 दिया गया, ठीक है, तो 12 आपके पास हमारे पास है, तो 12 को 12 से भाग किया 1, 32 की घात 1 बनेगा, 32 को हम 2 की घात 5 कर लेंगे, तो आपके पास यहाँ से 2 की घात 12 बन गया, और आपके पास करनी 12 है तो 1/12 हो जाएगा, ये 12 से 12 कैंसिल, मीन्स 2 की घात 1 2 हो जाएगा, तो आंसर के रूप में आपके पास ऑप्शन क्या बन जाएगा, आपका बी बन जाएगा। एंड नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन 19, 81 के अंदर देखें 3 की घात 4 होता है हमारे पास, ठीक है, और 7 में आपको क्या घात दी गई है, -2 दी गई है, और फिर 7 में 1/4 आपको दिया गया, क्योंकि बाहर आपको, ठीक है, 4th रूट दिया गया आपके पास, तो 4 से 4 कैंसिल, 3 की घात -2 हो जाएगा, 3 की घात 2 9 होता है, माइनस के कारण ये 1/ बन जाएगा आपके पास, ठीक है, तो इसमें आपके पास ऑप्शन देखें, ऑप्शन कौन सा बनेगा आपका, ए। नेक्स्ट देखेंगे 20वां क्वेश्चन, 256 कहा गया और 256 0.09 कहा गया, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 0.25 बन जाएगा आपके पास, 0.25 मतलब 1/4 हो जाएगा, और 256 आपके पास 4 की घात 4 होता है, और उन सारे की घात हमारे पास 1/4, 4 से 4 कैंसिल, 4 की घात 1 4 आ जाएगा, मीन ऑप्शन ए आपके पास आपके क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 कहना, निम्नलिखित में से कौन सा x के बराबर है, किसको हल करने पर आपके पास x आएगा। पहला ऑप्शन देखें, अगर आप 12/7 में से 5/7 घटाएंगे तो, ठीक है, ये आपके पास घात में से घात नहीं घटाई जा रही, डिवाइड नहीं किया जा रहा, हमारे पास आधार घटाए जा रहे हैं, तो पहला ऑप्शन आपके पास नहीं हो सकता, ठीक है, ए नहीं होगा। सेकेंड अगर हम देखें, x की घात 4, सारे की घात 1/3, फिर 1/12 हो जाएगा, तो वो भी आपके पास नहीं बनेगा, ठीक है, बी भी नहीं होगा। सी में देखें, x की घात 3 दी गई है हमें, उसकी घात आगे 2/3, फिर आगे हमें क्या दिया गया, वर्गमूल दिया गया 1/2, 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, मतलब अकेला x बचेगा आपके पास, तो इट मीन्स आपके पास 21 में क्वेश्चन का आंसर क्या बनना चाहिए, सी आ जाएगा आपके पास आपके क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। इसके बाद हम कुछ सत्य असत्य पर आधारित क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, और फिर उसके आधार पर हम आगे, हमारा जो चैप्टर फर्स्ट है, आपके पास जब भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इनमें से आते हैं, तो ये जितने भी हमने किए हैं इनमें से आपके पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। जैसे हम फर्स्ट क्वेश्चन देखें, इसमें हमें क्या कह रहा है, कहना मान लीजिए आपके पास एक्स और वाई प्रिमेय और अप्रिमेय संख्याएं हैं, क्रमशः क्या एक्स प्लस वाई आवश्यक रूप से एक अप्रिमेय संख्या है, अपने उत्तर की पुष्टि के लिए उदाहरण दीजिए। हाँ, ठीक है, यस हो आपके पास, उसका उत्तर हाँ हो जाएगा, क्योंकि आप कुछ भी मान लीजिए, मान लो मैं x 21 मान लेता हूँ, y वर्गमूल 2 मान लेता हूँ, तो दोनों को मैं जोड़ूंगा तो 21 प्लस वर्गमूल 2 बन गया मेरे पास, ये एक मेरी एक परिमेय संख्या बन रही है। एंड नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर, हम देखें, कहना मान लीजिए x एक परिमेय संख्या है, y एक अपरिमेय संख्या है, क्या x y आवश्यक रूप से एक अपरिमेय संख्या है, एक उदाहरण द्वारा उत्तर दीजिए। ठीक है, नहीं, इसके अंदर आपके पास चांसेस देखने में आप कोई भी अंक सोचेंगे तो आपको ऐसा ही लगेगा कि नहीं, ठीक है, हाँ उत्तर आएगा, लेकिन अगर आपके पास परिमेय संख्या आप 0 मान लें, 0 को आप वर्गमूल 2 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 फिर है क्या, एक परिमेय संख्या होगी आपकी, इस 0 के कारण ही स्पेशल आपके पास ये उत्तर क्या हो गया, आपका नहीं में हो गया। एंड तीसरा क्वेश्चन, इसके अंदर आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से कथन सत्य है या सत्यापन उत्तर का औचित्य दीजिए, वर्गमूल 2/3 एक अपरिमेय संख्या है, सॉरी परिमेय संख्या है, असत्य है, ठीक है। सेकेंड आपके पास, किन्हीं दो पूर्णांकों के बीच अपरिमित रूप से अनेक पूर्णांक होते हैं, दो पूर्णांकों के बीच में कहता अनेक पूर्णांक हो सकते हैं, असत्य, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि 2 और 3 में की बात करूं तो उसमें कोई भी गिनती का अंक नहीं आता, परिमेय या अपरिमेय संख्या की बात कही गई होती तो वो आपकी अपरिमित रूप से अनेक होती है। कुछ ऐसी, सॉरी, 15 और 18 के बीच में परिमेय संख्याओं की संख्या परिमित है, कहता निश्चित है, असत्य है, दो संख्याओं के बीच में कभी भी परिमेय संख्याओं की या अपरिमेय संख्याओं की संख्या परिमित मतलब निश्चित नहीं हो सकती, वो हमेशा अनिश्चित होती हैं। कुछ संख्याएं ऐसी हैं कि जिन्हें P/Q, जहां Q बराबर नहीं 0 के रूप में नहीं लिखा जा सकता, जहां P और Q दोनों पूर्णांक हैं, ठीक है, कहना P और Q दोनों पूर्णांक होंगे आपके पास, और इसको हम P/Q के रूप में
जहां क्यू बराबर नहीं हो जीरो के आपके पास, ठीक है। अब पी और क्यू दोनों पूर्णांक होने चाहिए, ऐसा कह रहा है हमें। कुछ ऐसी संख्याएं बतानी है कि जिन्हें पी बटा क्यू के रूप में हम लिखते हैं, क्यू बराबर जीरो नहीं होना चाहिए, के रूप में नहीं लिखा जा सकता, ठीक है। जहां पी और क्यू आपके पास क्या हो, दोनों के दोनों पूर्णांक हो। लेकिन अगर हमारे पास ये अगर पूर्णांक नहीं की बात करता तो ये सत्य हो जाता, लेकिन यहां इन्होंने कहा पूर्णांक है, जब पूर्णांक है तो इसको लिखा जा सकता है, तो ये क्या हो जाएगा आपका असत्य हो जाएगा। अगर ये कह दें कि पूर्णांक नहीं है जहां पर, ठीक है, तो फिर आपका ये सत्य हो जाएगा। फिफ्थ हमारे पास, एक अपरिमेय संख्या का वर्ग सदैव एक परिमेय संख्या होता है। एक अपरिमेय संख्या का वर्ग नहीं, कोई जरूरी नहीं है। आप वर्गमूल संख्या का सोचेंगे, वर्गमूल दो का वर्ग दो होगा, लेकिन आपके पास मान लीजिए मैं क्यूब रूट टू की बात करता हूं, इसका वर्ग करूंगा तो ये दो की घात आपके पास दो बटा तीन बन रहा है, जो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है आपके पास, इसलिए इसका आंसर क्या बन जाएगा आपका, असत्य। नेक्स्ट देखिए इसका सिक्स पार्ट, इसमें हमें क्या कह रहा है करने के लिए, वर्गमूल 12 बटा वर्गमूल 3 एक परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि वर्गमूल 12 और वर्गमूल 3 पूर्णांक नहीं है आपके पास, कह रहा है नहीं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, असत्य। क्योंकि एक्चुअल में वर्गमूल 12 और वर्गमूल 3 पूर्णांक नहीं है, लेकिन इनको डिवाइड कर दिया गया तो 12 को 3 से भाग करके 4, 4 का वर्गमूल 2 आ गया, जो एक परिमेय संख्या होती है आपके पास, ठीक है। आगे देखिए सेवंथ, वर्गमूल 15 को वर्गमूल 3 से भाग किया, पी बटा क्यू रूप में हो गया, जहां क्यू जीरो नहीं है, इसलिए यह एक परिमेय संख्या है, असत्य, क्योंकि इनको भाग करने पर आपके पास वर्गमूल 5 आ रहा है, ठीक है। तो आपके पास ये दोनों अलग अलग तो अपरिमेय संख्याएं हैं ही, तो अपरिमेय को अपरिमेय से डिवाइड करें तो उत्तर जो आ रहा है वो भी एक अपरिमेय संख्या बन रही है आपकी, इस कारण आपके पास क्या हो जाएगा, ये एक अपरिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या नहीं होगी, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, अपरिमेय, असत्य हो जाएगा। एंड लास्ट हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, इसके अंदर कहते हैं, औचित्य देते हुए निम्नलिखित को परिमेय या अपरिमेय संख्याओं के रूप में वर्गीकृत कीजिए कि आपके पास जो ये संख्याएं बनेंगी वो अपरिमेय होंगी या अपरिमेय होंगी, ठीक है। इनके अंदर हम देखते हैं, हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन के अंदर हम कुछ संख्याओं को लिखेंगे और सभी के बारे में बात करते चले जाएंगे कि आपके पास इन संख्याओं ने क्या होना है, ठीक है, कि ये परिमेय होंगी या अपरिमेय संख्याएं बनेंगी आपके पास। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन देखिए हमारे पास फोर्थ का, फर्स्ट वर्गमूल 196, ये आपके पास इसका वर्गमूल 14 होता है, ठीक है, तो ये क्या होगी आपकी, एक परिमेय संख्या होगी आपके पास, ठीक है। दूसरा भाग देखें, आपको तीन वर्गमूल 18 दे रहे हैं, 18 को हम 3 × 3 × 2 होता है, तो ये 9 वर्गमूल 2 बन जाएगा, इसलिए एक अपरिमेय संख्या बनेगी। तीसरा हमारे पास देखें, आपको वर्गमूल 9/27 कह रहे हैं, ये कटकर आपके पास 3 आ जाएगा, 1 का वर्गमूल 1 वर्गमूल 3, तो ये क्या होगी आपकी, एक अपरिमेय संख्या बनेगी आपकी। फोर्थ देखें, वर्गमूल 28 बटा में वर्गमूल 343, 7 से कट के 4, 7 से कट के 49, 4 का वर्गमूल 2, 49 का 7, तो ये क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी आपकी। पांचवा देखें, माइनस 0.4 का वर्गमूल करने के लिए कह रहा है आपको, 0.4 का जब आप वर्गमूल करेंगे, मीन्स आप इसको अगर सिंपलीफाई समझना चाहें तो 4/10 कर लीजिए, ठीक है, होल लग, चार का आपको वैसे वर्गमूल लग रहा है कि 0.4 का 0.2 बन जाएगा, नहीं, ये आपके पास 0.6 समथिंग कुछ बनना है, इसने 4 का वर्गमूल 2 हो गया, -2/(-10), ये कट नहीं रहा, तो आपके पास यहाँ से क्लियर हो रहा है ये क्या है, परिमेय संख्या है। छठा भाग देखें, आपके पास आपको वर्गमूल 12/(-75) दे रहे हैं, ठीक है, 12 से आपके पास 12/75, 3 से कट के 4, 3 से कट के 25, 4 का वर्गमूल 2, 25 का 5, तो ये क्या हो जाएगी, एक परिमेय संख्या बन जाएगी आपकी, ठीक है। सेवन देखें, आपके पास दशमलव में दे रहे हैं, 0.5918, ठीक है, तो ये एक परिमेय संख्या है आपके पास। आठवां भाग देखें, आपको इन दोनों को अगर हम घटा करेंगे तो वर्गमूल 5 से वर्गमूल 5 कैंसिल हो जाएगा, 1 - 4 - 3 बनेगा, जो एक परिमेय संख्या बनाएगा आपके पास। इसका नौवां भाग देखें हम, ठीक है, आपको 10.124124 मीन्स आपकी रिपीटिंग हो रही है, आवर्ती हो रही है, ठीक है, तो ये क्या बनेगी, एक परिमेय संख्या बनेगी। एंड लास्ट इसका दसवां भाग देखें हम, ठीक है, इसके अंदर आप देखें 1.01001001001, मीन्स इसके अंदर ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग मीन अशांत अनावर्ती संख्या बन रही है आपके पास, ठीक है, तो वो क्या होगी आपके पास, एक अपरिमेय संख्या बनेगी, ठीक है। इस प्रकार से आपने इन सभी क्वेश्चंस को अपना बनाना सीखना है,
ठीक है, प्रीमियम प्रीमियम के बारे में बात करनी है। इसके साथ साथ मैं आपको एक क्वेश्चन छोटा सा और भी बात करते हैं। मान लीजिए कई बार आपको पी बटा क्यू रूट में बदलने के लिए कहा गया जीरो से तीन बार को, ठीक है, तो आपने पूरी संख्या लिखी है माइनस इसमें से जीरो मीन्स बार को छोड़कर बटा में बार कितने अक्षर पर है, एक पर, तो तीन बटा नौ मीन्स आपके पास सर लूप एक बटा तीन हो जाएगा। अगला जीरो से जो दो बार, तो दो माइनस मीन्स पूरी संख्या लिखी माइनस उसमें से बार को छोड़कर हमारे पास क्या बच रहा है, जीरो बच रहा है, बटा में बार कितने अक्षरों पर है, एक पर, तो उतने नौ, और दशमलव के बाद जितने अक्षरों जिन पर बार ना हो उनकी जीरो लगती हैं, तो आपके पास ये दो बटा नौ आ गया। अगर आपको कहा जाए इन दोनों का जोड़ करें तो देखें तीन बटा नौ बटा दो बटा नौ मीन्स आपके पास जोड़ने पर पाँच बटा नौ आपके पास आपके क्वेश्चंस का आंसर बन जाएगा। क्लियर, इस तरीके से आपने इन एक्सरसाइज के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, एमसीक्यू क्वेश्चन है, उनको करके देखेंगे, ठीक है, उनमें से रिगार्डिंग कोई भी आपकी प्रॉब्लम है तो आप मुझे मैसेज करेंगे। क्लियर, ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों मित्रों से इसको जरूर शेयर करें। अन्य किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम के लिए मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल विजय जाखल बंसल मैथ। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू स्टूडेंट्स।